हेलो बाल दोस्तों, मैं पूनम राठौर वासुदेव स्कूल ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र। तो मित्रों, आपको एक इकाई दी गई है, चैप्टर दिया गया है, आपका 8वां चैप्टर हंसना मना है, वो आज हम देखेंगे। तो पहले तो आप सभी का ध्यान अपनी बुक में और पेज नंबर 46 पर देखिए, हंसना मना है। ये इकाई का शीर्षक क्या है? हंसना मना है। यहाँ पे हमें चुटकुले दिए गए हैं। चुटकुले को हम गुजराती में जोक्स बोलते हैं। तो चलो बुक में ध्यान। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का सशक्त माध्यम है। ये चुटकुले है वह हास्य और व्यंग विनोद, हास्य हंसना और व्यंग विनोद। हम व्यंग करते हैं, कटाक्ष में किसी को कहते हैं, विनोद मजाक करते हैं, उसका सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण होता है, उनका स्वरूप प्रमुख गुण होता क्या है कि उसका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। उसका रूप छोटा होता है, स्वरूप छोटा होता है और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है, हमारा तनाव दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। और इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है और तनाव दूर करने का, व्यक्ति को मजाक करने का यह सशक्त माध्यम है। हमें व्यक्ति का मजाक मगज फ्रेश हो जाता है चुटकुले सुनने से। तो आज हम 3-4 चुटकुले यहाँ पे देखेंगे। तो चलो, आपकी बुक में पहला चुटकुला दिया गया है। पहला चुटकुला है, चूहा हाथी के पास गया और बोला। एक चूहा था, वो हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? वो क्या कहता है कि हाथी दादा आपकी जो पहनने की लुंगी होती है वो आप मुझे 2 दिन के लिए दोगे? वो मांगता है हाथी से, हाथी तुम उसका क्या करोगे? हाथी उसे पूछता है कि तुम उसका क्या करोगे? प्रश्न पूछा हाथी ने। चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। चूहा ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें आपकी लुंगी को तंबू के जैसे लगाना है। तो मित्रों, देखा ने, आपको हंसना मना है, क्योंकि ये इकाई का नाम ही ऐसा है कि हंसना मना है। चलो, तो हम दूसरा चुटकुला देखते हैं। इसमें चित्र दिया गया है, देखो आप सब। पता नहीं लोग महीनों बिना नाए कैसे रख सकते हैं। दो लोग हैं, वो बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कहता है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। तो दूसरे चित्र में देखिए, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। वो कहता है कि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोज़ नहाता ही नहीं है। आप लोग तो रोज़ नहाते हो ना, कि आप भी इसकी तरह करते हो? हाँ, चलो आगे देखते हैं। तीन नंबर का चुटकुला। ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? एक ग्राहक है, दुकानदार से पूछता है, दुकान में लेने जाता है वस्तु, उसे ग्राहक बोलते हैं। दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहकों का क्या चाहिए? ब्रश चाहिए। तो वो दुकानदार कहता है कि मेरे पास ब्रश नहीं है पर पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? फिर दुकानदार, उसके पास ब्रश तो नहीं होता है इसलिए पाउडर मांगता है कि अच्छा तो आपके पास पाउडर होगा? तो दुकानदार कहता है पाउडर नहीं है, क्रीम है। ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास पाउडर नहीं है पर क्रीम है। ब्रश मांगा तो दुकानदार ने बताया मेरे पास ब्रश नहीं है पर पेस्ट है। पाउडर मांगा तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास ब्रश नहीं है, सॉरी पाउडर नहीं है, क्रीम है। तो आगे दुकानदार ने पूछा कि क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार ने क्या कहा कि मुझे क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? तो दुकानदार ने फिर से, ग्राहक ने फिर से दुकानदार से पूछा कि क्या आप मुझे टॉर्च दे सकते हो?